स्टूडेंट्स, आज बेटा हम करते हैं केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ में फोर्थ यूनिट। इसका जो नाम है वो है केमिकल काइनेटिक्स। देखो क्या है कि इस यूनिट के अंदर केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक मीन्स स्पीड। मतलब ये हुआ कि ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो आपको केमिकल रिएक्शन, इट्स स्पीड एंड फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करवाएगी। एक बात हो गई। नंबर दो बात क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन को अगर स्पीड बेस पे देखें तो इसको हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर एक है फास्ट रिएक्शन, नंबर दो स्लो रिएक्शन, और जो नंबर तीन है वो है अपने पास भाई मॉडरेट टाइप रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन कौन सी होती हैं? जो रिएक्शन इमीडिएटली हो जाती हैं। देखो आपने स्मॉल क्लासेज में, छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा कि भाई रिएक्शन के अंदर क्या होता है, किसी ना किसी नए कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है ना। अगर मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इमीडिएटली बन जाता है, इवन मतलब कुछ एक रिएक्शन तो इतनी फास्ट होती हैं वो 10^-6 सेकंड में कंप्लीट भी हो जाती हैं, ठीक है। तो जो रिएक्शन इमीडिएटली हो जाती हैं या जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हमें, फास्ट रिएक्शन। इनमें सबसे एग्जांपल, सबसे ज्यादा एग्जांपल किसका आता है, आयनिक रिएक्शन का। तो जो आयनिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है हमारे पास भाई, फास्ट रिएक्शन होती है। आगे वाले आती हैं स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन क्या होती हैं, विच टेक ए लॉन्ग टाइम टू अकर, जिसके अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होने में एक लंबा समय लगता है, उसको क्या बोलते हैं हमें, स्लो रिएक्शन। इसका एग्जांपल आता है हमारे पास कोरोजन ऑफ आयरन, ठीक है। एक आती है मॉडरेट टाइप रिएक्शन, ये क्या होती है, कुछ टाइम लेती है। द रिएक्शन विच अकर इन ए टाइम, उस टाइम के अंदर एक मिनट हो सकती है, एक घंटा हो सकता है, एक दिन हो सकता है, ठीक है। तो जो रिएक्शन कुछ टाइम लेती है, विच टेक सम टाइम टू अकर, आर कॉल्ड मॉडरेट टाइप रिएक्शन। इनमें सबसे ज्यादा एग्जांपल किसका आता है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन का, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर कॉमन से एग्जांपल की बात करूं तो कॉमन एग्जांपल कौन सा आता है, दूध का दही में कन्वर्ट होना। तो देखो क्या होता है कि अगर मान लो दूध से दही बन रहा है ना, तो कौन सी टाइप की रिएक्शन आती है हमारे पास, मॉडरेट टाइप की रिएक्शन। अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई रिएक्शन हैविंग ए डिफरेंट स्पीड, भाई रिएक्शन की स्पीड जो होती है वो डिफरेंट क्यों होती है। तो आप क्या बताओगे कि रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है उनके बीच में तो पुराने बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं और नए बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो कोई भी जो रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंड बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी कम इनकी वैल्यू होगी उतना जल्दी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। मान लो यहां पर लो अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए तो क्या हो जाएगा, झटके से बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रोडक्ट की। यहां तक समझ में आ गया। अब कई कई बार इसी क्वेश्चन को हमें मॉडिफाइड कर देते हैं कि वाई आयनिक रिएक्शन आर फास्ट रिएक्शन, इसमें आप क्या आंसर दोगे, बिकॉज इन आयनिक रिएक्शन जो कंपाउंड होते हैं ना वो बेटा ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, और पहले से क्या होते हैं, आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर हमें किसी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ठीक है। तो और यहां पर क्या हो जाएगा फिर, इमीडिएटली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर दो क्वेश्चन क्या आता है कि हम स्पीड को मेजर कैसे करेंगे। तो स्पीड को मेजर करते हैं हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के। तो देखो क्या होता है, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि तुम्हारे पास रिएक्टेंट आर से क्या बन रहा है, पी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अगर आपको इस रिएक्शन के लिए स्पीड ऑफ रिएक्शन चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो आप क्या देखोगे कि यहां पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहले तो ये देखो, अगर कंसंट्रेशन चेंज होगी
तभी तो इसका मतलब रिएक्शन हो रही है। फिर दूसरी बात देखो कि ये जो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है वो कितने टाइम में चेंज हो रही है। अरे बात सुनने, ठीक है, तो यहां पर क्या बता दोगे कि जी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन ए टाइम। कई कई बार क्या होता है, ऐसा होता है कि रिएक्टेंट आर से पी प्रोडक्ट बन गया मान लो एक मिनट में, और एक बार आर रिएक्टेंट से जैसा आपने छोड़ा था उसको दूसरे नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होने के लिए क्या होता है टाइम लगता है एक मंथ का। तो आप क्या बताओगे कौन सी रिएक्शन स्लो है और कौन सी रिएक्शन फास्ट है, जो एक मिनट में कन्वर्ट हो जाती है वो रिएक्शन कौन सी हो जाती है हमारे पास है फास्ट हो जाती है एज कंपेरिजन टू जो एक मंथ में कन्वर्ट होती है ना। तो तुमने कैसे निकाला रेट ऑफ रिएक्शन है कि जी हम ये देखेंगे कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कितने टाइम में चेंज हो रही है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। लेकिन किसी ने एक बात बोला कि जी अगर हम ये भी तो देख सकते थे ना कि नई चीज की जो फॉर्मेशन हो रही है वो कितने टाइम में हो रही है, ठीक है, तो या तो ये देख लो कि कितना रिएक्टेंट कंसंट्रेशन चेंज हुई, या फिर ये देख लो कि कितने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हुई। तो यहां पर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख देता हूं अपॉन ए टाइम, तो यही रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी डेफिनेशन हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द रेट ऑफ ए चेंज ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। लेकिन बात आती है कि हमें कब पता चलेगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रखी है प्रोडक्ट की, तो आप क्या बताओगे कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर आगे नेगेटिव साइन लगा रखा है तो इसका मतलब हमने किसी कंसंट्रेशन ले रखी है रिएक्टेंट की, और अगर मान लो वहां पर पॉजिटिव साइन लगा रखा है तो इसका मतलब हमने कंसंट्रेशन किसकी ले रखी है प्रोडक्ट की। यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव क्या शो कर रहे हैं, देखो अगर रिएक्टेंट हमने मान लो 10 रिएक्टेंट ले लिए, अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग गए तो इनकी अमाउंट क्या होगी डिक्रीज होगी ना, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो क्या होती है डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है इंक्रीज होती है। यहां तक समझ आया। नंबर दो बात, अगर मान लो कोई आपसे ग्राफिकली पूछे ग्राफिकली बताओ कि यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन कैसे है, तो हम क्या करते हैं ग्राफ दिखाते हैं आपको। यहां पर इस तरफ हमने क्या ले लिया टाइम ले लिया, और यहां पर हमने ले लिया कंसंट्रेशन। मान लो पहले हम कंसंट्रेशन ऑफ क्या ले लेते हैं रिएक्टेंट ही ले लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। अब ये बताओ जीरो टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे कि जी जीरो टाइम पर तो रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुई है, इसका मतलब जितना रिएक्टेंट है हमारे पास है, वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या डाल देते हैं स्लोप डाल देते हैं कि जी T1 टाइम पर जो कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की वो कितनी थी R1 थी, और T2 टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है भाई R2। तो यहां पर अगर हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी पड़ जाए तो हम कैसे निकालते हैं, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यहां पर क्या कर दोगे कि जी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब ग्राफ से आप देख रहे हो कि R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, अगर यहां से जीरो से चलते हैं 0, 5, 10 ऊपर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, तब क्या बताओगे R1 की वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू R2 के। तो अगर छोटी नंबर में से बड़ी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई नेगेटिव अपॉन T1 से T2 की वैल्यू क्या है ज्यादा है, तो अगर हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर भी दें तो यहां पर क्या आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। आगे बात सुनने, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है हमारे पास है द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस इन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन ए फाइनल टाइम टू द इनिशियल टाइम। आगे बात सुनने,
अगर यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि जी प्रोडक्ट बेस पे बताओ, तो अब की बार क्या लोगे आप, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट लोगे। तो यहां पर आपको दिखाएं हम कि जी इस तरफ तो ले लिया हमने टाइम, और इस तरफ हम क्या ले लेते हैं भाई, अब की बार कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो यहां पर क्या देखोगे आप कि जीरो टाइम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, जीरो, क्योंकि रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुई अभी। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास है, इंक्रीज। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए फिर से हम क्या डाल देते हैं, स्लोप डाल देते हैं। तो यहां पर टी वन टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं पी वन से, और टी टू टाइम पर जो कंसंट्रेशन है किसे रिप्रेजेंट कर देते हैं भाई, पी टू टाइम। तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी हमारे पास है वो हमने क्या बताया था कि जी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस में इनिशियल टाइम। तो यहां पर क्या देख रहे हो कि दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, बड़ी है एज कंपेयर टू इनके। तो अगर मान लो हमें लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर भी दें तो ऊपर भी पॉजिटिव आएगा नीचे भी पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब इसी में आपसे पूछा जा सकता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितनी रेट ऑफ रिएक्शन हो रही है, द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन। यहां तक समझा गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जी अभी तो रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस यूनिट का नाम क्या था, केमिकल काइनेटिक्स एंड इट्स फैक्टर। कि भाई केमिकल काइनेटिक्स का तो मतलब तो हो गया था कि केमिकल रिएक्शन और उसकी स्पीड, लेकिन इसके अंदर हम एक फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन भी तो पढ़ेंगे। तो आज अगर हम मान लो रफली सा देखें भी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, तो सबसे पहले आएगी नेचर। तो नेचर में आप क्या बताओगे कि अगर मान लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम तो है, कम कैसे, मान लो एक बार तो हमें कार्बन के कैसे ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएं किसी भी रिएक्टेंट की जिसके अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा हो, और एक ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएं जिसके अंदर ट्रिपल या फिर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा हो, तो आप क्या बताओगे, सिंगल बॉन्ड डिसोसिएट करना आसान है कि ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल ना, तो यहां पर सीधे सीधे क्या बोल दोगे कि यहां पर रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या आएगी, फास्ट आएगी, और यहां पर क्या आ जाएगी भाई, स्लो आ जाएगी। तो सबसे पहला आपने यही बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंड बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, एक हो गया फैक्टर। नंबर दो फैक्टर, अभी जो मैं तीन फैक्टर करूंगा ना, दूसरा तीसरा चौथा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इनको थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें आएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपने प्लस वन में एक ली चैटरल प्रिंसिपल स्टडी किया था, उसने क्या कहा था कि जिसकी भी वैल्यू आप इंक्रीज करोगे ना, रिएक्शन उससे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, ताकि उसके इफेक्ट को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर दी तो रिएक्शन की स्पीड किस तरफ हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। आपने देखा भी हो, अगर मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो उसके अंदर एक तो तुम स्मॉल अमाउंट में चीजें लेकर चलो और एक लार्ज अमाउंट में चीजें लेकर चलो, तो कब बिजनेस जल्दी चलता है, जब हम लार्ज अमाउंट में लेकर चलते हैं ना, ठीक है। तो यहां पर सीधा सीधा क्या बोल दोगे, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीड ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजिज, ठीक है। लेकिन इसको ब्रीफली थोड़ी देर के अगली वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। नंबर तीन, इसमें आ जाएगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में आप क्या देखोगे कि कोई भी रिएक्शन होती है उसके अंदर होता क्या है भाई, ये ए और बी जुड़ते ही तो हैं, जुड़ेंगे कैसे जी, बॉन्ड की फॉर्मेशन से। बॉन्ड कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, है ना। अब आपको क्या लगता है कि कोई भी रिएक्टेंट इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, नहीं ना। ट्रांसफर करने के लिए उनके बीच में क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए,
और इफेक्टिव कोलिजन के लिए तुम्हारे पास एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, जो किसके द्वारा आएगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, ठीक है। हालांकि लिचेटरल प्रिंसिपल के अनुसार यह भी बताया गया था तुम्हें कि अगर एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन आ जाती है ना, तो उसके अंदर अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो जो स्पीड ऑफ रिएक्शन हो जाएगी वो स्लो भी हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें बता रखा है कि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होती है भाई, स्लो हो जाती है। अब कैसे इंक्रीज करता है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। नंबर तीन आए, मतलब अगले वाला जो पार्ट है वो है कैटालिस्ट। तो ये तो तुम्हें छोटी क्लासेस से स्टडी करवाते रहे कि ये वो केमिकल कंपाउंड है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन स्पीड को चेंज कर देता है। ये डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, वो अलग बात है कि हम ज्यादातर इसको रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। अरे बात समझे, ठीक है। फिर आएगा, ये तो हमने ब्रीफली स्टडी करने, आगे फिर कुछ एक फैक्टर आ जाते हैं जैसे कि सरफेस एरिया आ गया। सरफेस एरिया में आप क्या देखोगे कि जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना रिएक्टेंट के बीच में कांटेक्ट होगा, उतना अट्रैक्शन हो गया, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगी, है ना। अब मान लो एक तो तुम्हारे पास कोई सब्सटेंस है जिसकी साइज है इतनी, एक तो इस सब्सटेंस के साथ रिएक्टेंट की रिएक्शन करवाएं, एक इसी सब्सटेंस को हमें पाउडर के रूप में कन्वर्ट करके फिर रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करवाएं, तो क्या लगता है कब रिएक्शन जल्दी होगी, नीचे वाले केस में ना, पाउडर केस में। तो हमने सरफेस एरिया बोला है ना कि साइज, साइज तो इसकी बड़ी है लेकिन इसके अंदर क्या देख रहे हो तुम्हें, सिर्फ बाहर का सरफेस यूज हो रहा है, लेकिन अगर हमने इसको पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर लिया तो अंदर वाला सरफेस भी तो इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतनी स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। और जो लास्ट फैक्टर है वो है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या बताओगे कि कुछ एक रिएक्शन ऐसी होती हैं जो अंधेरे में नहीं होती। एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, है ना। आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिएक्शन नहीं होती हैं अंधेरे में वो हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए लाइट। आई बात समझ में। तो ये तो थे इनका कुछ एक इंट्रोडक्शन। इससे अगली वाली वीडियो के अंदर हम इनको ब्रीफली स्टडी करें।